अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम देखेंगे कि दराज़ के ऊपर आप सेल कैसे कर सकते हो। तो दराज़ एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो उस पर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। ओके, सो इसमें आप सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, आप कैसे इसको ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये आज हम सारा देखेंगे। जो वो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आपने पूरी करनी है वो आज हम डिटेल। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है तो दराज़ के ऊपर आप दो किस्म के अकाउंट्स बना सकते हो, पर्सनल अकाउंट है या फिर बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपने क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, आपकी CNIC डिटेल होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल होगी और एड्रेस होगा आपका, वैलिड एड्रेस होना चाहिए आपका। उसके साथ बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट में आपका जो रजिस्टर्ड बिजनेस रजिस्टर्ड नंबर है आपका NTN नंबर, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। लीगल जो आपने कंपनी का नाम रजिस्टर कराया वो होगा। NTN डॉक्यूमेंट है वो आपने स्कैंड कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगी सारी, और उसके बाद जो आपका बिजनेस एड्रेस है वो आपने एंटर करना है। ओके, अब आप सैलर अकाउंट आपने रजिस्टर कैसे कर सकते हो, तो सिंपल आपने दराज़.pk पे जाना है और वहाँ पर आपने टॉप पर आप देख रहे हैं कि सेल ऑन दराज़ की ऑप्शन आपको शो हो रही होगी। तो सेल ऑन दराज़ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको न्यू पेज पे ले जाएगा। न्यू पेज पे आपने ऑप्शन को क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ से आपका जो साइनअप का सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हो या बिजनेस अकाउंट बना रहे हो। तो पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे आप, उसके बाद आपने शॉप बेस्ड इन ऑब्वियसली पाकिस्तान मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे। स्लाइड टू वेरीफाई, तो ये आपने स्लाइड करना सिंपल की वेरीफाई करने का। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दराज़ टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके ऊपर क्लिक करके आपने साइन अप कर देना। अब आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट। उसके बाद ओके सॉरी, आपको ईमेल आईडी वगैरह भी आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। शॉप नेम जो आप एंटर करना आप चाहते हो कि लोगों को विजिबल हो तो वो यहाँ पर आपका शो होगा, यहाँ पर आप लिख टाइप करेंगे उसको। तो ईमेल आईडी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे आप और शॉप नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपने आई हैव रेड दिस एंड साइन अप कर देंगे आप एड्रेस बुक पे आ गए। ओके सो वेयर, आपने एड्रेस यहाँ पर वेयर हाउस का एंटर करना है। तो क्योंकि आप ऑब्वियसली फुलफिलमेंट बाय सेल्फ कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, क्योंकि आप सारी इन्वेंट्री खुद मेंटेन कर रहे हो। तो आपने यहाँ पर सारा अपनी पर्सनल एड्रेस रखना है, कंट्री रीजन जो भी आपकी स्टेट है, एरिया, पर्सनल एड्रेस आपने कम्प्लीट यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिजनेस एड्रेस सेम है आपका। उसके बाद रिटर्न एड्रेस जो है, अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वो किस एड्रेस पर जाएगी, सेम है तो उसको चेकबॉक्स को क्लिक कर दें। उस ये करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको न्यू फेज पे ले जाएंगे। ओके सो योर एड्रेस बुक हैज़ बीन वेरीफाइड। अब आपने क्या करना है, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन करनी है, जो आपका पर्सनल आईडी है वो आपने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ओके सो आईडी टाइप है CNIC कार्ड है आपका, नेम ऑन आईडी जो आपका नेम होगा, CNIC नंबर है। अब आपने CNIC की फ्रंट साइड को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करनी है और बैक साइड को स्कैन करके यहाँ पर एक कॉपी अपलोड करनी है आपने और सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको मैसेज हो जाएगा योर पर्सनल आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड, फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन। तो जो आप चाहते हो कि जो दराज़ आपकी जो भी अमाउंट है वो कट, जो आप फीस दराज़ को पे करोगे वो आपने बैंक यहाँ पर सेटअप करना है। ओके सो अकाउंट टाइटल जो होगा आपका वो आपने सेंटर एंटर करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर है आपका, बैंक नेम है आपके पास, बैंक का ब्रांच कोड होगा आपके पास, वो यहाँ पर एंटर करना है। और आपने उसके साथ साथ अपने जो चेकबुक है उसमें से एक ब्लैंक चेकबुक की कॉपी यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और मैसेज शो हो जाएगा कि बैंक इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, अब अपलोड करें अपलोड योर SKUs। तो ये प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी थी वो सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं अपलोड करनी है, वो बाद में भी आप कर सकते हो। ओके सर,
अब आपको यहाँ पर इस तरह सेलर सेंट्रल के पास ले जाएंगे, सेलर सेंट्रल में ले जाएंगे आपके। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो अपलोड योर एस के यूज़, तो यहाँ पर आपने आपकी प्रोडक्ट्स होंगी और वो आपको फ़ौरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये आपका स्टेप हो गया और अब अमेज़ॉन आपको सॉरी दराज आपको बता रहा है कि 75% जो है आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो 25% है वो आप कर सकते हैं। सो अब एडिशनल कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो आपने क्या करना है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी है ये दराज की। तो जब आप ये सारा जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो अपलोड कर देते हो, अपलोड करने के बाद आपने आपके पास एक चीट फैक्ट है, आप एक स्ट्रेटजी इसको बोल लें कि आपने ये सारा स्टेप कंप्लीट किए हैं, तो उसके साथ ही आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर लें। याद रखिए पैकेजिंग मटेरियल आपने उस ईमेल आईडी से एंटर करने हैं जो आपने दराज में अपनी इंफॉर्मेशन के दौरान आपने दी, उसी ईमेल से आपने एक बाइंग जो दराज पे जाकर साइन अप करना है और साइन अप करके आपने ये पैकेजिंग जो है दराज से वो अपने ऑर्डर करनी है। तो पैकेजिंग को याद रखें कि अमेज़ॉन के सॉरी दराज का जो लोगो है उस पैकेजिंग पर होना ज़रूरी है। और ये आपने भी चेक करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी पैकेजिंग करनी है। अगर फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो उसमें बबल रैप भी आपने करना है। उसके बाद अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर ब्राउन पेपर है वो आपने रैप करना है ताकि पता ना चले कि पैकेज के कंटेंट्स क्या हैं। और फिर उसके बाद आप उस दराज के लोगों वाले वाउचर में आप एंड पैक करके सेंड करते हो। तो इससे क्या होता है कि दराज को पता चलता है कि आप एक ये एक सीरियस पर्सन है, तो ये दे आर सीरियस अबाउट सेलिंग ऑन दराज। तो उनको आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल पसंद आता है और वो आपकी जो प्रोसेस है उसको स्टार्टअप स्पीड अप कर देते हैं। और उसके बाद ये जब पैकेजिंग बाय करने के बाद आप फौरन अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करने लग जाते हो, तो आपका दराज आपको क्वालिटी कंट्रोल चेक करके तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन दराज के ऊपर अपलोड कर देता है। तो ये यहाँ पर आप दराज में देखें पैकेजिंग कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, सिंपल जाकर पैकेजिंग मटेरियल ओके यहाँ पर देख लें, ये वाउचर्स हैं आपके तो दराज का उस पर लोगो मौजूद है। अब ये बबल रैप हैं, यहाँ पर डिफरेंट रेट्स हैं, आप कहीं से भी बाई कर सकते हो जो आपको लगता है सही चीपेस्ट आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर आप कार्टन्स बाय कर रहे हैं, ये तो वाउचर्स हैं, कार्टन यहाँ पर आपके पास वाउचर्स हो रहे हैं, तो अगर आपने कार्टन्स बाय करने हैं ब्राउन कलर के तो वो भी उसके ऊपर भी दराज का लोगो होना ज़रूरी है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आप बल्क में बाय करेंगे या इसलिए अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप बाय कर लेंगे और लोगों के बगैर वाला बाय करेंगे तो राज के ऊपर अपना आप भेजने जाएंगे अपनी जो पैकेज है तो दराज के जो वेयर हाउस है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर दराज का लोगो नहीं है। तो आपकी जो एक हेल्थ पे भी डिपेंड इफ़ बैड इफ़ेक्ट होगा कि आपने का जो पैकेज है फर्स्ट में ही आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो आपने बहुत ध्यान से ये पैकेजिंग भी है। वर्स नेक्स्ट, तो सिंपली आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह जो सेंड एंटर करती है उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स सेलर सेंट्रल पर अपलोड करते हो और दराज इनको गो थ्रू करता है, क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है कि ये प्रॉपर सही प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। और उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो दराज के ऊपर लाइव हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, WordPress डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डिवेलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए व्हाट्सएप 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।